दीपक, आप क्या रिश्ता, किस तरह का रिश्ता देखते हैं उनसे? एक छोटे भाई की तरह, एक एक पिता पुत्र की तरह, एक दोस्त की तरह, किस तरह का रिश्ता रहा आपका उनके साथ, आप जितने दिन उनके साथ रहे? एक दोस्त, एक पिता, एक मेंटर, एक सच्चा पाक कलाकार, एक आपका छत्र, बोलते ना छत्र ऊपर मेरा हाथ है, कर जो तेरे को करना है, मैं हूं तेरे साथ। वो हर चीज में मतलब मेरे साथ, वो मेरे हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहे, हमेशा। फिर मुझे बहुत सारे चांस दिए उन्होंने एज म्यूजिक अरेंजर अपने एल्बम्स में। करीबन मैंने उनके, मुझे याद ठीक से याद नहीं, लेकिन मैंने उनके बहुत सारे एल्बम्स किए बतौर म्यूजिक अरेंजर, और वो फुल फ्रीडम के साथ। झगड़े भी बहुत होते थे स्टूडियो में। और अच्छा, चित्रा आंटी हमेशा मेरा साइड लेती थी, हमेशा मेरा साइड लेती थी कि ये कुछ अलग सोच रहा है, तुम वापस घूम फिर के वही तुम उस पर आ जाते हो, थुन चक तुम ऐसा मत करो ना, वो उसको करने दो, लेट हिम डू इट। तो मैं करता था अपने तरीके से, तो खुश भी होते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो के बाहर, बोला देखो क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है बताओ, अभी तुम्हारे अंदर जो जोश है ना कि मैं ये भी दिखा दूँ, ये भी दिखा दूँ, ये भी करके दिखा दूँ, वो नहीं होता अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होता है कि एक खूबसूरत लड़की है, उसको श्रृंगार की जरूरत नहीं है, उसको शायद एक बिंदी की जरूरत है, वो म्यूजिक अरेंजमेंट होता है। उसको तुम सोने में लाद दोगे, अपना गोल्डन साड़ी पहना दोगे, ये कर दोगे, तो भद्दा लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अरेंजमेंट गाने के मुताबिक होना चाहिए, और वर्ड्स को महसूस करो पहले कि वर्ड्स क्या डिमांड कर रही है, कंपोजिशन का ग्राफ क्या है, उसके हिसाब से म्यूजिक अरेंजमेंट होना चाहिए, उसके हिसाब से आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वो अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग, उसके अनुसार होना चाहिए, और उसके म्यूजिक फ्रेजेस भी वैसे होने चाहिए। तो उस समय तो मुझे झटका लगा बहुत कि मैं इतनी मेहनत करके लेके आया और ये वो, और ये ऐसी बात कर रहे हैं। मेलेडी प्रधान होता है गाना, वो कह रहे हैं मुझे मेलेडी इंपॉर्टेंट होती है, वर्ड्स मेलेडी ये इंपॉर्टेंट होती है, अरेंजमेंट उसका एक एक खाली एक वो होता है सपोर्टर। तो करते करते धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर जो मेरी जो थोड़ी बहुत जो जबान साफ है, वो ऑल बिकॉज ऑफ हिम, जो उर्दू की नॉलेज है या जो गज़ल की जो एक एक अपनी एक रवायत होती है, अपने अपना एक टेम्परामेंट होता है, वो उनके साथ की शब्दों का जो कितने मुंह खोलना, कहाँ होंठ खोलना, कहाँ जबान खोलना, या कौन से शब्द पे कहाँ पॉज आना। अब कितने लोग गाते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो है हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो के हर ख्वाहिश पे दम निकले ये होता है। तो ये सारी मतलब मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो ये बिल्कुल बिल्कुल बारीकियाँ बिल्कुल मैंने मैंने बहुत 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 सीखी और आज भी सीख रहा हूँ। मैं तो स्टूडेंट हूँ म्यूजिक का, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कभी गुरु बनने पे मैं कभी बिलीव करता ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, और मैं जहाँ से हो सकता है मैं सीखना सीखता रहता हूँ। मैं फिर अपना मिर्ज़ा गालिब हुआ, वहाँ से गुलजार अंकल साहब से मुलाकात हुई, तभी मैं आई थिंक कुछ 16 17 साल का हूँगा, 18 साल का हूँगा शायद। तो ये जर्नी इतनी प्यारी रही, फिर एक स्टेज ऐसा आया 2005 में कि मैंने जगजीत अंकल को फ़ोन किया और कहा कि अंकल अब मैं नहीं बजाना चाहता, मुझे सिर्फ क्लासिकल पे फोकस करना है, मेरे आई वॉन्टेड टू डू माई मतलब सोलो कॉन्सर्ट्स, वो भी क्लासिकल के। बोला ये सब ऐशो आराम भूलने पड़ेंगे, क्लासिकल कॉन्सर्ट करेगा 5 स्टार नहीं मिलेगी, तुमको मिलेगा गेस्ट हाउस, हाँ ट्रेन मिलेगी, फ्लाइट नहीं मिलेगी, बिजनेस क्लास तो बहुत दूर की बात है। मेरा कोई बात नहीं, मैं नए सिरे से लाइफ शुरू करूंगा, बट मुझे क्लासिकल करना है। तो बोला मेरे साथ बजाना, तेरे को कितना बजाना, मैंने आपके साथ तो बजा ही रहा हूँ मैं, और बोला कितना तो बजाता है मेरे साथ, क्या क्या बजाता रहता है तू, मैं रोकता हूँ क्या तेरे को? मैंने बिल्कुल नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं अंकल, मुझे तो दो लोग आए वो मेरे लिए हैं, वो सोल्ड आउट होता है शो आपके नाम से, इवनिंग विद जगजीत सिंह, वो आपके नाम से कॉन्सर्ट, हर सैटरडे हम जाते थे श्रीफोर्ट,
और वो सोल्ड आउट होता था हमेशा, खाली श्री फोर्ट नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई भी जगह हो, ये बिल्कुल कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी टिकट्स बिकती हैं, ये वन ऑफ देम, नाम अनाउंस हुआ सोल्ड आउट दूसरे दिन, कोई भी वर्ल्ड का कोई भी कोना हो। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल मुझे है ना मुझे सोलो बजाना है बस। बोला तेरे को हो क्या गया, तू तभी ठीक है? तो देन ही कॉल्ड माई वाइफ, मेरी वाइफ को फोन किया लता को, और बोला ये क्या पागल जैसी बात कर रहा है। बोला अंकल आप जानो और ये जाने, मैं इनके काम में कभी मैंने इंटरफेयर किया नहीं ना मैं करती हूँ, तो ये दिस इज बिटवीन यू एंड हिम। तो वो और चित्रा आंटी घर पे आए, मैंने ही बुलाया था कि घर पे आ जाओ बैठे। तो घर पे आने के बाद हमने एक एक ड्रिंक मारी, फिर उसके बाद जगजीत अंकल हमको खाना खिलाने ले गए, एक घर के बाजू में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था टाइम एंड अगेन वहाँ पर। फिर वो मेरी वाइफ को बोले लता को, इसको बोल कि अमेरिका चले उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो बोला अंकल वो तो मैं तो नहीं बोलूँगी, आप ही बोलो। तो बोला तेरा प्रॉब्लम क्या है, तेरे को क्या चाहिए क्या लाइफ में? मैंने मेरे को सब कुछ है आपके आशीर्वाद से, मैं नए सिरे से लाइफ शुरू करना चाहता हूँ, मुझे क्लासिकल बजाना है बस, मुझे संगत नहीं करनी। तो बोला संगत थोड़ी यहाँ पर, वही बात रिपीट हो जो फोन पे हुई थी। मैंने अंकल मुझे है ना सेंटर में बैठना है। तो हंसने लगे बहुत जोर से ऐसे, बोला तू यहाँ बैठ जा मैं तेरी जगह बैठ जाता हूँ। मैंने नहीं ऐसी बात नहीं है, इन द सेंस कि वो आपके कॉन्सर्ट में वो जो सोल्ड आउट होता है कॉन्सर्ट वो आपके नाम से होता है और उसमें मैं हूँ कि चलो दीपक पंडित भी है साथ में, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँगा तो पब्लिक टिकट नहीं लेगी, सवाल ही नहीं होता, वो आपका कॉन्सर्ट है। मैं चाहता हूँ कि 2 लोग आए या 2000 लोग आए वो मेरे नाम से है। तो चित्रा आंटी ने मेरा साइड लिया, बोला ये लड़का सही बोल रहा है उसको करने दे, अपने अपने हिसाब से जीने दे उसको। बोला ठीक है। तो वो एक पॉज लिया मैंने, फिर मैंने मैं अरेंजमेंट करता था काफ़ी लोगों के लिए करता था, तो वो मैंने बंद किया करना, मैं कंप्लीट अपने आप को मैंने सब तरफ से बायकॉट किया और मैं सिर्फ अपना रियाज करता था, अभी भी करता हूँ और जब तक चलता रहेगा सिलसिला करता रहूँगा, रियाज करता रहता था और काम के फ़ोन तो आते रहते थे लेकिन नहीं करता था। 5, 6, 7, 8 2008 के करीब कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स रिकॉर्डिंग वगैरह जो मेरी खुद की होती थी जिसमें मैं खुद कंपोज कर रहा हूँ वो मैं करता था, बाकी मैंने तो जो इंडस्ट्री में जो वायलिन बजाना भी था वो भी मैंने बहुत पहले बंद कर दिया था, कुछ रीजंस थे जो मेरे को ठीक नहीं लगे थे तो मैं नहीं करता था। तो वेला एकदम अकेला मतलब बैठा रहता था मैं, मतलब मेरे मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे घर वालों ने सबने मुझे सपोर्ट किया इसमें कोई शक नहीं, खास करके तो मैं मेरा भाई और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, रियाज करता था खूब और ऐसे करके अपना टाइम पास करता था, रियाज बहुत करता था बहुत करता था। फिर कुछ कुछ क्लासिकल कॉन्सर्ट्स की इंक्वायरीज आई 2008 के करीब आई, तो वही है कि नारियल और शॉल मिलेगा, आने जाने का भाड़ा मिलेगा और गेस्ट हाउस में रुकना है, जो उन्होंने कहा था वो चीज मैंने मंजूर है मैंने बिल्कुल। लेकिन जब मैं 2.5-3 घंटा बजा के उठा और मैंने देखा कि वो ऑडियंस तो ऑफकोर्स मेरे लिए नहीं थी, वो ऑडियंस तो क्योंकि वो फेस्टिवल था तो फेस्टिवल में जितने कलाकार होते हैं सबके लिए होते हैं लोग, लेकिन पर्टिकुलरली उस स्लॉट पे उतने लोग बैठना, नहीं तो उठ के चले जाते हैं लोग, वो वेट नहीं करते अगर नहीं करना। तो आई थिंक कुछ 1000-1500 लोग थे, मैं वो भूल रहा हूँ जगह कहाँ थी, एमपी में समवेयर इन एमपी, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ। एनीवेज तो मेरा सब भूल गया मैं, 5-स्टार होटल स्वीट या बिजनेस क्लास या ये या वो या पैसा सब भूल गया मैं, वो जो मज़ा था वो नशा जो था ना कि बैठ के 2.5-3 घंटा बजाना और वो लोग आपको सुन रहे हैं सिर्फ, वो नशा, उस नशे में मैं पूरी ज़िंदगी रह सकता हूँ। फिर एक स्टेज ऐसा आया कि जब जगजीत अंकल के आइटनरीज जाती थी ऑर्गेनाइजर्स के पास, तो वो ऑर्गेनाइजर बोलते थे कि इसमें तो दीपक पंडित का नाम नहीं है, एक ने बोला, दो ने बोला, तीन ने,
चौथे ने किसी ने बोला उसका दिन खराब होगा उस दिन, बोला तुमको दीपक पंडित का शो करना है मेरा करना है। अच्छा मेरे को खुद बताते भी थे फोन करके, तो बोला नहीं नहीं सर आपका ही वो कॉन्सर्ट तो आपका है, लेकिन वो साथ में होते तो बहुत मजा आता है। हाँ तो बोला मजा आता है तो उसको कर लो, सोलो कर लो उसका, वो अभी नहीं बजाता वो। ऐसे करके उन्होंने फोन रख दिया। फिर वो ऑर्गेनाइजर का वापस से फोन आया उनके पास, बोला नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो जगजीत अंकल ने वो ऑर्गेनाइजर को कहा कि आप उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो एक होता है ना कि आपको कोई डायरेक्ट फोन करता है तो आपको आपका सीना चौड़ा हो जाता है, वो मेरी बदतमीजी थी एक्चुअली, और वो मैं कन्फेस कर रहा हूँ आपके आपके चैनल के माध्यम से। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोला ऐसे ऐसे जगजीत जी का कॉन्सर्ट रखा है हमने और हम चाहते हैं कि आप उनके साथ बजाएं। तो मैंने बोला तो वो फ़ोन करेंगे ना, बोला नहीं हमारी बात हुई। तो उन्होंने बोला कि आपने अभी कुछ अरसे से नहीं बजा रहे आप उनके साथ। मैंने हाँ मैं मेरे सोलो कॉन्सर्ट्स के लिए या मेरे क्लासिकल के लिए मैं फोकस हूँ और उस पर ध्यान दे रहा हूँ, नहीं तो बोला कि आप ये कॉन्सर्ट कर लीजिए ना। अब क्या होता है ना कि सर मैं भी इंसान हूँ और गलती इंसान से ही होती है। और मैंने बोला ठीक है आप पेमेंट वगैरह क्या करेंगे, तो बोला आप बताइए। मैंने कुछ एक्स वाई जेड अमाउंट बोला एंड दे एग्रीड, एंड देन आई सेड कि आई नीड वन ये बिजनेस क्लास टिकट और आई नीड वन सेपरेट रूम स्मोकिंग रूम। बोला फाइन हो गया सर। हालांकि मैं इस बात के बाद एक और बात बताऊंगा, हालांकि अपना गए एयरपोर्ट पहुंचे, अब मैं कॉन्सर्ट किसका बजा किन का बजाने जा रहा हूँ, जगजीत अंकल का, लेकिन मुझे ऑर्गेनाइजर ने बुक किया। तो ऐसा एक दो चीज हुई थी। तो व्हेन आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम फ्लाइट के अंदर, मजे तो ले रहे हम लोग, मस्ती कर रहे सब कुछ, लेकिन मुझे बड़ा ऑड लग रहा था कि मेरी औकात नहीं है इनके पास बैठने की, मेरी औकात नहीं है इस तरह से बैठने की, औकात नहीं है। मैं जाके पीछे मेरी टीम के साथ बैठा, जावेद ढोलक बजाते थे, बहुत गुणी खानदान से थे, अभी नहीं रहे वो, बहुत यंग था वो लड़का। गुलाम मोहम्मद साहब के ग्रैंडसन, पाकीज़ा फिल्म में जिनका म्यूजिक था जी, जी वो जी। थे अभिनव जी थे, काफी सारे हमारी टीम के थे। प्रोग्राम हो गया सर वो, लेकिन दिल में मेरे बड़ा मलाल रहा कि मैंने ये क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जैसे मैं जाता आता रहा हूँ हमेशा, वैसे ही जाना चाहिए था मुझे। खैर वो उसके बाद जब आते थे लोगों के फ़ोन तो मैं मना कर देता था, मैंने नहीं मेरे को आना होगा तो जगजीत जी को अंकल को मैं खुद बात कर लूँगा और वैसे आऊँगा, ऐसे डायरेक्ट मेरे को अप्रोच मत करिए। तो वो चैप्टर क्लोज हुआ। फिर अपना उनका जो अधिकार और एक जो दादागिरी, दोनों चीज़ बोल सकते हैं आप, बोले कि अमेरिका टूर है। तो मैंने बोला नहीं अंकल अमेरिका तो नहीं जाऊंगा मैं। बोला क्यों नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम? मैंने बहुत प्रॉब्लम है, एक तो आपके कॉन्सर्ट्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, यहाँ पे तय होते हैं कि अपना 12 कॉन्सर्ट होंगे, वहाँ जाके 24 कॉन्सर्ट हो जाते हैं, तो एक दिन भी आराम नहीं मिलता। ट्रैवलिंग स्टेज फ्लाइट एयरपोर्ट स्टेज होटल में चेक इन करते हैं, लेकिन नाम के लिए चेक इन करते हैं, लेट बैठने तक का मौका नहीं मिलता होटल। उसके बाद सबसे इरिटेटिंग क्या होता था कि वो किसी के होटल में खाना खाने जाओ कॉन्सर्ट के बाद, और वो खाना खाने में फिर वो दारू भी पियो, फिर उसके बाद वो रात पूरी काली हो, फिर उसके बाद अपना उसमें एक आदमी ऐसा होता था उनका जो हमेशा होता था, जो आज भी होता है वो, कि वो रास्ता भूलता था, फिर एक एग्जिट मिस कर लिया तो आपका 1.5 घंटा वैसे खराब हो गया, ये हमेशा होता है। तो ये सारी चीज़ें, फिर मेरे को कपड़े प्रेस करने नहीं आते, अभी तो सीख गया मैं, लेकिन उस समय नहीं आते थे। तो बोले और क्या प्रॉब्लम है तेरी? मैंने और अपना खाना खाने किसी के यहाँ नहीं जाऊँगा, और कपड़े प्रेस करने, और मैंने और अपना जितने कॉन्सर्ट्स का कमिटमेंट है हाँ उतने ही करो, उसके ऊपर करोगे तो मैं इंडिया आ जाऊँगा, और कसिनो, मैंने कसिनो तो चलेंगे, कसिनो का हम दोनों का कॉमन एक फैक्टर है लाइफ में। तो खुद मेरे कपड़े प्रेस करते थे वो, और वहाँ सच बता रहा हूँ मैं, मेरे कपड़े अभिनव जी के कपड़े खुद वो आयरन करते थे।
कितनी हजारों बार। और उसके बाद अपना वो चीजें बंद की, लेट नाइट पार्टीज और ये वो। हाँ, जिस दिन खाली दिन है उस दिन रात को बैठ गए ठीक है, बट वो वापस सुबह 6 बजे लॉबी में मिलो, फिर वो 8 बजे की फ्लाइट है ये, फिर वहाँ पे टाइम डिफरेंस, फिर सीधा साउंड चेक, फिर कॉन्सर्ट, फिर अगले सिटी के लिए निकलो आप वहाँ पे, क्योंकि अभी 2 महीने में कितने 60 दिन होते हैं ना 2 महीने में, तो करेक्ट। अब बिल्कुल 60 दिन में आप 42 कॉन्सर्ट्स करोगे, कैसे चलेगा? हाँ तो ये सब हुआ है, सब ये दौर देखा है हमने। फिर उसके बाद मैंने बोला अब भी नहीं, आप मेरे को चाहिए बांग्लादेश, मेरे को आप ले जाओ 1 महीने के लिए, चलेगा। अमेरिका नहीं, आपके साथ अमेरिका नहीं, वो बढ़ता रहता है। मैं वापस आया हूँ कई बार, टूर छोड़ के वापस आया हूँ मैं कई बार। मैं मतलब क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूं, लेकिन जी मैंने सुना है कि आपने लता जी का कार्यक्रम भी एक बार ऐसे ही बीच में छोड़ा, आप अनूप जलोटा साहब का कार्यक्रम छोड़ा, मेहदी हसन साहब का छोड़ा, तो और चूंकि आप इतनी ईमानदारी से अपनी गलतियों पर भी मतलब बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ये मेरी गलती थी और ये मेरी अकड़ वो था या ये मेरी औकात नहीं थी, आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मेरी हिम्मत हो रही है पूछने की, वरना शायद मैं ये सवाल नहीं पूछता, लेकिन मेरी हिम्मत हो रही कि क्या वजह थी कि लता जी का, मेहदी हसन साहब का, अनूप जलोटा जी ऐसे लोगों का साथ छोड़ने की वजह क्या थी, दीपक पंडित ने ये रिश्ते क्यों तोड़े? अच्छा नहीं, रिश्ता किसी से नहीं टूटा है, रिश्ता किसी से नहीं टूटा है। वो हर एक फ्रेज होता है लाइफ का। जी जी अभी आई वॉज किड एट दैट टाइम, तो जगजीत अंकल के पास संजीव कोहली जी का फोन आया था, मदन मोहन जी के साहबजादे, बोले कि लता लता दीदी का कॉन्सर्ट है दिल्ली में। मैं उस समय मेरे ख्याल से कुछ 20-21 साल का हूँगा, तो बोले लता जी का कॉन्सर्ट है दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में, और वो मेरे लिए चाहते हैं कि मैं वायलिन मैं बजाऊं। और उस कॉन्सर्ट में सिर्फ 3 ही लोग थे, 3 ही लोग मतलब म्यूजिशियन 3 ही थे, मैं था वायलिन पे, सोलो वायलिन पे, सुराज साठे अकॉर्डियन बजाते थे वो थे, और अनिल मोहली जी, अनिल मोहली जी उनका सब अरेंज वही करते थे, म्यूजिक अरेंज लता जी का सारा एंड तक उन्होंने ही किया है, वो करते थे, वो ही वॉज ऑन वाइब्रोफोन। अच्छा तो जी, और उस समय इफ आई एम नॉट रॉन्ग या आई एम श्योर, उस समय लता जी को हैंडल करते थे कुट्टी साहब, जो बाद में गुलजार अंकल, गुलजार साहब को मैनेज करते थे। तो मैंने जगजीत अंकल को बोला ठीक है मैं चला जाऊँ, दिल्ली में था कॉन्सर्ट, तो बोला तू चला जा, ठीक है, हो गई बात, हो गई रिहर्सल भी हो गई। लता जी तो नहीं थी रिहर्सल में, अनिल मोहली जी थे, अब तो इस दुनिया में वो भी नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत ही विद्वान अरेंजर म्यूजिशियन थे। तो रिहर्सल हो गई, तो सारा कुछ लिखा हुआ था और उसमें रिदम वगैरह नहीं थी, बस वायलिन था, एकॉर्डियन और वाइब्रोफोन। तो हम पहुंचे दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली पहुंचने के बाद अब मेरा क्या था कि जगजीत अंकल के साथ ट्रैवल इतना किया ना, तो वो सारी चीजें जो थी ना उस मुताबिक नहीं होती थी, तो बड़ा अजीब लगता था, समझ आप? तो चलो वो मैनेज कर लिया मैंने, ठीक है, इट्स मैटर ऑफ वन डे, क्या फर्क पड़ता है। और इतनी हमारी सरस्वती माँ है, तो उनके साथ बजाने का अवसर मिला है, ये माइंड मेकअप करके मैं गया। फिर जब हम स्टेडियम पहुंच रहे थे, तो उससे पहले शो के कॉन्सर्ट से पहले तो 40,000 लोग थे करीबन कुछ, मुझे अनिल अनिल मोहली जी ने, मैं उनके साथ रूम शेयर कर रहा था, मुझे उन्होंने कपड़े दिए, कपड़े बोले ये यूनिफॉर्म है, ये आपको पहनना पड़ेगा, वाइट कुर्ता पजामा। आप मेरे से ना मतलब प्यार से कुछ भी करा लो मैं जान दे दूंगा, लेकिन एक होता ना कि ये कंपलसरी है, ये करना पड़ेगा, तो उसके अगेंस्ट जाता हूँ मैं। फिर ये मेरा नेचर है, ये बदतमीजी भी कह सकते हैं इसको आप, और जो भी समझे, लेकिन ये मेरा नेचर है। तो मैंने नहीं, यूनिफॉर्म तो मैं स्कूल में पहनता था, स्कूल छोड़े मेरे को टाइम हो गया, मैंने उनको मस्ती में कहा, बोला नहीं ये तो पहनना पड़ेगा, तो मैंने नहीं मैं यूनिफॉर्म तो नहीं पहनूंगा। और उस समय वो दो ही फ्लाइट होती थी बॉम्बे दिल्ली की, सुबह एक शाम की, वही आती थी वापस, तो मैं
शाम की फ्लाइट से वापस आ गया बॉम्बे, मैंने नहीं किया कॉन्सर्ट। और उसका जो उस समय जो भी खर्चा था वो मैंने पे किया। देन आई रियलाइज कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी, कि मैंने ठीक है जो भी मेरे प्रिंसिपल्स हैं या मेरे उसूल हैं, लेकिन आप एक सर्टन एज के बाद आपको पता चलता है कि आपने लाइफ में क्या मिस्टेक्स की। लता जी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, माँ सरस्वती हैं वो। और उन्होंने तो मेरा एल्बम लॉन्च किया है कुछ 4-8 साल पहले। वो मेरे भाई हैं, मयूरेश भाई, बड़े ही गुणी इंसान हैं। तो उनके जरिए से वो चीज़ हुई। और एक बार जब मैंने सोनू निगम जी का जो एक एल्बम किया था क्लासिकली माइल, तो उनका खुद का फोन आया मुझे कि तुमको गाना चाहिए, तुम गाते बहुत अच्छा हो, मैं तुम्हारा एनडीटीवी पे देख रही हूँ और बहुत अच्छा गा रहे हो तुम। उन्होंने मयूरेश को भी फोन किया था, मयूरेश जी को भी, मुझे भी। खैर वो मैं बात में आऊंगा उस बात पे। तो मैं आ गया सर बॉम्बे। फिर मैंने जगजीत अंकल को बोला, अंकल ऐसा ऐसा था इसलिए आ गया। तो वो हंसते थे मेरी बात, वो कुछ बोलते रिएक्ट नहीं करते थे। बोला ठीक है, चलो हो गया जो हो गया, आगे का सोचो, चलो ठीक है। मैंने ठीक है। तो ये चीज़ हुई थी। और मेहदी साहब के साथ ये हुआ था सर कि हम तो बचपन से मुरीद हैं उनके और जिंदगी भर रहेंगे। बट कभी कभी क्या होता है कि मेरा जितनी मेरी हैसियत है, जितना मेरी मेरी औकात है, या जितना मैंने म्यूजिक सीखा है, तो उसमें जो मुझे आता है वो मैं 100 नहीं 1000% करने की कोशिश करता हूँ, मेरा बेस्ट। तो एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, लंदन की कोई कंपनी थी, मैं नाम भूल गया। मैं अरेंज कर रहा था और मेहदी हसन साहब गा रहे थे। ये हरिहरन साहब के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रही थी, बीट स्टूडियो ताड़देव साउथ बॉम्बे में, एयर कंडीशन मार्केट के पास में। तो और मेरे दो प्रोजेक्ट चल रहे थे वहाँ पे, एक कविता कृष्णमूर्ति जी का चल रहा था मेरा एक प्रोजेक्ट, और एक मेरा मेहदी साहब का, मेहदी हसन साहब का चल रहा था। तो डब करने आए खान साहब, मेहदी साहब आए डब स्टूडियो, आए डब करने। तो डबिंग हुई ठीक ठाक, हो अच्छी होगी डबिंग। तो मैंने बोला कि खान साहब थोड़ा सा, कभी सर बोलता था, कभी अंकल बोलता था, कभी खान साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ मैं। थोड़ा वो लाइन करेक्शन कर दीजिए, कर देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़ी सी गड़बड़ लगेगी। तो क्या होता था, वो रेडी थे करने के लिए, हाँ, क्योंकि मैं अरेंज कर रहा हूँ। और खैर वो मेरी तो कोई विसात या कोई औकात ही नहीं है कि मैं उनको बोलूँ कि वापस से डब कर दीजिए। लेकिन मैं उस एल्बम को अरेंज कर रहा था, तो उन्होंने पूछा ठीक हो गया, अच्छा हो गया। मैंने बहुत अच्छा हो गया। एक जगह पे वो थोड़ा वर्ड्स और ये, और थोड़ा उस समय अंटारेस वगैरह होता नहीं था, मेलोडाइन वगैरह ये सब होता नहीं था। तो उनके साथ कुछ और लोग थे, उनके शागिर्द नहीं, लेकिन वो बोलते ना कि चेले चपाटे, चाय 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 से गर्म केटली होती है। अरे खान साहब ने एक बार डब कर दिया, अब वो थोड़ी डब करेंगे दूसरी बार। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो वो लोग चले गए स्टूडियो से, स्टूडियो से चले गए। तो मैं अपना, मेरा दूसरा प्रोजेक्ट मैंने जो शुरू किया था वो, उस पर काम करना शुरू कर दिया मैंने। रात करीबन 10 साढ़े 10 बज रहे थे। मुझे बराबर याद है कि मैं जयंती गोशर जी, बड़े अच्छे गिटारिस्ट हैं, बहुत विद्वान म्यूजिशियन हैं, उनका गिटार डब कर रहा था। और उस प्रोजेक्ट में मेरा बड़ा, मेरा मेरा सौभाग्य है कि भूपी अंकल, भूपी जी ने, भूपेंद्र सिंह जी ने बेस गिटार बजाया था मेरे प्यार के लिए। जी। तो मैं वो काम पे लग गया। और वो जो लंदन की जो प्रोड्यूसर थी, वो शिवाज डिगल लेके आई थी, तो वो खोल ली थी मैंने। तो वो भी चल रहा माहौल। इतने में आधे घंटे हो गए थे मेरे को मेरा दूसरा काम शुरू करते हुए। तो खान साहब आए और उनके साथ उनकी वो पूरी गैंग भी आई। हसन बोला वो मैं फिर से पूरा गाना डब करूंगा। तो मैंने बड़े हाथ जोड़ के उनको बोला, मैंने खान साहब अभी ऐसा है, मैं इस जोन से निकल गया हूँ, अभी मैं एक दूसरे जोन में आ गया हूँ, और अभी मेरा एक सेट ऑफ माइंड अलग हो गया है। तो आप परसों परसों कर लीजिए डब, क्योंकि कल भी मैं बिजी हूँ, तो परसों कर लीजिए। बोला अरे मैं बोल रहा हूँ आज करने के लिए, अभी करने के लिए। तो मैंने ऐसा नहीं होता आपको, जब मैंने उस समय इतने प्यार से बोला, तो
तो आपने तो कुछ बोला ही नहीं मुझे। आपके साथ जितने लोग आए वो बोलने के खान साहब एक बार डब कर देते तो उसके बाद दूसरी बार डब नहीं करते, तो अभी तो नहीं हो पाएगा। और मेरा ग्लास व्लास रखा होता वो देख रहे थे सर। मैंने वो उनका नामंजूर किया, ये जो था उन्होंने मुझे बोला था कि डब कर लेता हूँ फिर से। मैंने अभी मैं दूसरा काम शुरू कर रहा हूँ और अभी नहीं जा पाऊंगा मैं, क्योंकि वो मिजाज अलग है, ये मूड अलग है, वो मैं मिक्स मैच नहीं करना चाहता। तो ही वॉज वेरी एंग्री विथ मी, बहुत ही वॉज अपसेट विथ मी। उससे 4 दिन पहले क्या हुआ था, उसी उसी दौरान में, उससे 1 हफ्ते पहले एक कंपनी हुआ करती थी वेस्टर्न म्यूजिक, आई थिंक उनके जो ओनर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके ओनर का नाम था ज्ञान वाचानी जी। उन्होंने, वो थे या कोई और थे मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, उन्होंने कॉन्सर्ट रखा था मेहदी साहब का जुहू होटल पे, और मुझे कहा गया था कि तुमको वायलिन बजाना है खान साहब के साथ। तो ये एक मेरे लिए एक बड़ी ही मतलब प्रेस्टीज की बात है कि मैं खान साहब के साथ बजाऊं। मैं आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा जू होटल, तो खान साहब खान साहब खान साहब, पूरी दुनिया उनको घेरी हुई सब, मैं पैर छुए मैंने तो उन्होंने देखा ही नहीं। ठीक है, उनको हजारों लोग घेरे थे तो मैंने चलो कोई नहीं। तो फिर जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने भी मिलाया, बोला बहुत अच्छा बजाता है, दीपक नाम है इसका, और ये आज वायलिन बजा रहा है। अच्छा, ठीक है, तो चलो आई वॉज ओके। और ये जगजीत भाई के साथ भी बजाते हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन कराया मेरा। हाँ, तो मेरी आदत थी कि मैं सिंगर जगजीत अंकल के साथ जैसे मैं बैठता था, वो सेंटर में तो मैं उनके लेफ्ट में, तो वैसे मैंने अपना प्लेसमेंट कर लिया वायलिन खोल के। तो वायलिन खोल ली मैंने तो साउंड ऑन बैलेंस हो रहा था, ऑडियंस बैठी हुई सारी। हाँ, वो प्राइवेट टाइप का ही प्रोग्राम था, ऑडियंस बैठी हुई सारी। तो मुझे बोले आप पीछे बैठिए। तो मैंने बोला पीछे कहाँ, बोला हाँ मेरे पीछे बैठिए। तो मैंने, आपके पीछे इतना बड़ा स्टेज खाली पड़ा है, आपको देख पाऊंगा, आई कांटेक्ट रहेगा, नहीं आप पीछे बैठिए। तो मैंने बोला मैं बैठता ही नहीं हूँ, मैं जाता हूँ। और मैंने बोला माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके साथ संगत नहीं कर पाया, उसके लिए ना मुझे करना है। और मैंने वायलिन पैक किया और मैं जाने लगा। जाने लगा तो उनके लड़के, मैं नाम भूल गया, कामरान या क्या, वो आए। अरे नहीं, पिताजी का वो मतलब नहीं था। मैंने, पिताजी का मतलब वही था, मैं 4 बार सुना, उन्होंने बोला पीछे बैठिए, हमारे यहाँ पे पीछे बैठ रहे हैं, आगे नहीं बैठते कोई। तो वो तरीका मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं उठ के चला गया, मैंने नहीं बजाया। उसके बाद जो स्टूडियो में हुआ वो हुआ। बट अगेन मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक ये चीज़ कन्फेस करता हूँ, ऐसी हस्तियाँ, ये इनको मैं युग पुरुष कहता हूँ। इनके पीछे क्या, इनके इनके अगर चरण का धूल भी पियो, पानी डाल के इनके चरण की जो बोना चाहिए ना, धूल भी हम उठा लें तो हम नसीब वाले। लेकिन वो एक टाइम था कि मैं भी बच्चा था और छोटी चीज़ पे इरिटेट हो जाता था, और ये सब चीज़ों का आदी नहीं था मैं, ना आज भी नहीं हूँ मैं। लेकिन अब फर्क पता चलता है कि वो कैसी हस्ती हैं जिनको सुन के हम बड़े हुए हैं, जिनको जिनके हम फॉलोअर्स हैं, जिनको हम लोग अपना आदर्श मानते हैं। तो ये 2 जगह मिस्टेक बड़ी हुई। और अनूप जी के साथ तो मेरा करियर शुरू हुआ है, ये चीज़ आई थिंक अनूप जी को भी नहीं पता। हम लोग लंदन में थे और मैं, सर मेरी एक आदत, मेरा एक प्रॉब्लम क्या है कि मैं दिन को दिन ही कहता हूँ और रात को रात ही कहता हूँ। वो अगर कोई भी हो, कोई भी हो मतलब कोई भी हो, तो लंदन टूर चल रहा था तब, अनूप जी को हैंडल करते थे, उनके मैनेजर थे और हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, सरदार जी हैं, उनका नाम है कुक्कू सिंह, कुक्कू सिंह, कुक्कू। तो एक कॉन्सर्ट में, मुझे याद नहीं कहाँ था वो, एक कॉन्सर्ट में चमनलाल चमन जी, वो ऑर्गेनाइजर थे जिन्होंने गाना लिखा है सोन दा महीना, सोन दा महीना यारो सोन दा महीना, वो उन्होंने लिखा है।
वो एक कॉन्सर्ट के जो ऑर्गेनाइजर थे, वो उन्होंने एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया था अनूप जी का, अनूप भाई साहब का। तो किसी रीजन से अनूप जी कुछ लेट हो गए थे वहाँ कॉन्सर्ट में पहुँचने से, और हम लोग स्टेज पे ही थे। अब अनूप जी नहीं है तो हम लोग स्टेज पे बैठ के कोई मतलब नहीं ना, हमारा स्टेज पे बैठना कोई मतलब नहीं। तो हम लोग स्टेज से अपना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ट्यून व्यून करके बैलेंस करके नीचे आ गए। तो वो माइक पे कह रहे हैं, कौन, चमनलाल चमन जी, कि ये इंडिया नहीं है, यहाँ टाइम की कदर करना चाहिए, यहाँ पे ये होता है, यहाँ डिसिप्लिन होता है, ये लंदन है, ये है, ये वो है, आप लोग आते गए हो लेकिन आपको यहाँ के वो मैनर्स मैनरिज्म और ये नहीं पता कि आपको टाइम की कदर नहीं है, ये नहीं है। अब आप जो है वो किसको सुना रहे हो, मुझे सुना रहे हो या अनूप जी तो है नहीं वहां पर, तो किसको सुना रहे हो आप? म्यूजिशियंस को ही सुना रहे हो ना। तो मुझे वो चीज बड़ी अखर गई। मैं उनके पास गया, तब तक अनूप जी आ गए। अनूप जी आते के साथ ही वो वेलकम वेलकम टू अनूप जलोटा जी, ये वो सब कुछ। तो वो शो मैंने बजाया क्योंकि वो कमिटमेंट था मेरा। शो के बाद मैंने उनको कहा, चमन्ना जी को, मैंने, आप भी तो हिंदुस्तानी हो, आप इंडियन नहीं हो, आप भी इंडियन हो ना, आप भी पंजाबी हो ना, इंडियन ही हो ना, आपको ये कहते हुए ठीक लगा इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि ये इंडिया से तो आ गए लेकिन इनको यहाँ के कायदे कानून और टाइम की वैल्यू नहीं, ये नहीं है। मैंने बोला, आपने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई कि ऐसे इंसान के साथ कोसों दूर रहना चाहिए। आगे भी उनके कुछ थे कॉन्सर्ट थे, मैंने कुक्कू जी को बोला कि भैया अभी मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मैं आज ही रात को इंडिया बॉम्बे वापस जाऊंगा। उन्होंने समझाया मुझे, अनुप जी को आज तक की बात नहीं पता, ट्रस्ट मी, कुक्कू जी को पता है। टिकट पासपोर्ट हमेशा मैं मेरे पास रखता था, हमेशा, आज भी रखता हूँ, कब मेरा मूड चेंज हो जाए मेरे को ही पता था। तो मैं, हमारे कॉमन फ्रेंड, मतलब फ्रेंड तो बड़े हैं लेकिन एक दोस्तों की तरह थे, दीपक खजांची जी, तो उनकी उनकी मिसेज, वो ब्रिटिश एयरवेज में थी उस समय, तो उनको मैं मामा बोलता था प्यार से। तो मैं, मामा मेरे को जाना है, मेरा टिकट कंफर्म करा दो। बोला ठीक है, हो जाएगा। उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल कराया, मैं टैक्सी पकड़ी, कपड़े भी नहीं चेंज किए, टैक्सी पकड़ी, हीथरो एयरपोर्ट पहुंचा, फ्लाइट में बैठा, आ गया। ऐसे मैं जगजीत अंकल के साथ भी किया है, बट वो मेरी गलतियां हैं लाइफ की, कि उनके कारण मैं इनको क्यों, इनसे क्यों वो चीज़ करूं। लेकिन ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक था उस समय, ऐसा लगता मुझे। नहीं, लेकिन दीपक भाई, ये तीनों चारों जो आपने वजहें बताई, इनमें से कोई वजह ऐसी अतार्किक नहीं है, लॉजिकल नहीं है। क्योंकि अगर आप बेशक किसी के साथ आप एक कंपनी आर्ट के साथ संगत कर रहे हैं, लेकिन आपके और आप एक घरानेदार कला उससे आते हैं, तो इसमें कोई बात अतार्किक नहीं लगती। इसलिए अगर आप में कोई मन पे आज बोझ हो, तो आप वो बोझ उतार सकते हैं। अगर जितने लोग इस इंटरव्यू को सुनेंगे, मुझे नहीं लगता है कि उसमें से कोई आपके व्यवहार पर उंगली उठाएगा। आपके हर फैसले के पीछे एक बहुत वैलिड वजह मुझे लगती है, कम से कम। हालांकि ये शायद जो शुक्रिया, इंटरव्यू लोग सुनेंगे तो वो शायद ज्यादा बेहतर जज करें, लेकिन मैं भी शायद आपकी जगह पर होता या कोई भी एक कलाकार होता तो मैं जी तो बताएं। मैं बोलता हूँ, जज करे या नहीं करे, मेरे तो जो दिल में है, मैं आज सारी चीजें उगल रहा हूँ, सब शेयर कर रहा हूँ, जी जिसको जो जी सोचना है सोचे। मैं सबके बहुत इज्जत करता हूँ, सबको मैं पैरों को हाथ लगाता हूँ, और मैं खुद बहुत छोटा हूँ, हर किसी से मैं सबसे बहुत छोटा हूँ हर चीज में। लेकिन मैं, आई कैन नॉट गो अगेंस्ट माई लॉ एंड माई प्रिंसिपल, ये मेरा एक फंडा है, मैं अपने आप को भी नहीं बख्शता। एक चीज और आपको बताता हूं मैं, यही उस समय की बात है जब मैं, होटल का दौर मेरा खत्म हुआ था और मैं जगजीत अंकल के साथ बजा रहा था। तो दिल्ली में एक होटल है ललित, अभी बिल्कुल पहले पहले उसका नाम हॉलिडे इन हुआ करता था, अभी ललित है। तो मैं नाम नहीं लूंगा बट आप समझ जाएंगे, एक प्राइवेट कॉन्सर्ट था, और जितनी हिंदुस्तान में ज़्यादातर 80% इंडिया में जितनी 5 स्टार होटल्स हैं, उसके जो नल वगैरह होते हैं ना, शावर नल और सब, उनके ओनर थे जिन्होंने कॉन्सर्ट वो प्रोग्राम हैंडल
अरेंज किया था। जगजीत अंकल के बहुत क्लोज मित्र हो, बहुत ही क्लोज, तो दोस्ती में हो जाता है ना कभी कभी कि चलो यार बुलाया कर देते हैं। तो मैं भी बजा रहा था, पहुंचे ऊपर होटल, नीचे लॉन में प्रोग्राम था, कॉन्सर्ट था, तो सब दारू वारू पी रहे थे। दारू पियो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है प्राइवेट प्रोग्राम है और सब दोस्त यार ही अंकल के, जगजीत अंकल के सारे दोस्त यार ही थे। बट वो दारू स्टेज पे जब गिरने लगी तो मैंने वायलिन पैक किया, मेरा वायलिन पैक किया मैंने, पैक करके मैंने जगजीत अंकल को भी नहीं पूछा, किसी को नहीं पूछा, पैक करके मैं सीधा मेरे रूम में वायलिन लेके चला गया। 3-4 घंटे बाद मैं अपने रूम में टीवी भी देख रहा, सॉरी, खाना ऑर्डर किया, खाना खाया, फोन ऑन करने थे, वो किया, सारा काम अपने निपट गया। कुछ 3-4 घंटे बाद अंकल का मेरे रूम में फोन आया, जगजीत अंकल का। हाँ भाई क्या कर रहे हो? मैंने बस अंकल सोने की तैयारी, सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, आज तो तुमने बहुत कमाल का बजाया। मैंने बजाया नहीं था ना, मैं पैक करके चला गया था, समझ गया। तो छेड़ तंज में बोल रहे, आज तो तुमने बड़ा कमाल का बजाया। मैंने अंकल बस आज बज गया कमाल का, ऐसा हर दिन नहीं बजता। मैं आता हूँ रूम में, मैंने आइए प्लीज आइए। रूम में आए, बोला ये तुमने आज क्या किया? तुम पैक करके चले गए स्टेज पर, स्टेज से। अंकल ये मेरी जिंदगी है, माँ सरस्वती है, वायलिन खाली वायलिन नहीं है, ये साज है, और जो भी थोड़ा बहुत हूँ इसके बदौलत हूँ। हारमोनियम या तबला या ढोलक या सिंथेसाइजर या वायलिन या गिटार, ये सब, इस सब में सरस्वती है, बिल्कुल और उस पे दारू गिरे अगर पियो, मैं पीने के लिए नहीं मना कर रहा, वो नाचते नाचते दारू गिर रही है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अच्छा मैंने अंकल एक चीज़ बोलूँ आपको, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मैं दोस्ती यारी मत निभाओ, आप दोस्ती यारी निभाओ अलग ढंग से, हेल्प कर दो जो भी, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम मत करो। करते नहीं थे वो, कभी नहीं करते थे, मैंने इस तरह के प्रोग्राम मत मत करा करो। कुछ बोले नहीं मेरे को, हंसने लगे, जैसे हो वैसे रहना जिंदगी भर, मेरे को बोलते हैं। मैंने जरूर, उन्होंने कभी नहीं किया प्राइवेट महफिल, कभी नहीं किया, उसके बाद कभी नहीं किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।